गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज व्लॉग बनाने का कोई सीन नहीं था, झूठ बोल रहा है। लेकिन मौसम इतना अच्छा हो गया और उसके साथ साथ नुकसान भी कुछ हो गए, तो सोचा आप लोगों को दिखा देता हूँ वो चीजें। तो चलिए आपको दिखाता हूँ। तो गाइस आप देखिए, ये नीम का पेड़ था जो कि आंधी आई आज, जिसकी वजह से ये गिर गया। आज ये उस पेड़ के सहारे रुका ही था, बट आज पूरा नीचे आ गया, क्योंकि इससे दिक्कत भी बहुत होती थी हम लोगों को। ट्रैक्टर उधर से आता था, फिर ये बीच में पड़ जाता था। और ये पुराना घर है, तो पीछे कच्चा घर था, ऑलमोस्ट गिर चुका है। ये सामने बस बचा है, यहाँ पापा रहते हैं और ये जूली रहती है। जूली, ये आज मौसम ठंडा हो गया, जूली को भी ठंडा ही लग रहा होगा। जूली, पकौड़ी खाने का मन नहीं कर रहा है? इसको क्या पता, बारिश में पकौड़ी खा जाती है, इसको जो दे दो वही खा ले, है ना जूली? और बेचारा ट्रैक्टर ऐसे नंगे धड़ंगे पड़ा उधर। क्या बोला तूने? इसको कोई तिरपाल डालने वाला भी नहीं है, क्योंकि आज ये गया था खेत जोतने, तो इसलिए ऐसे ही खड़ा कर दिया। मौसम का क्या पता था बारिश आ जाएगी, नहीं तो इसको ढक देते। ये हमारे बाबा जी की निशानी है 1984 की HMT, इसको हम पूरा मेंटेन करके इसको जिंदा रखें, अच्छे से चलता है, सब मेंटेन है इसमें। शौक है इसको रखने का, बाकी नया तो सभी ले रहे हैं, पुराना कोई मेंटेन करके दिखाए, वो भी इस कंडीशन में। ये पुराने घर का सामने का है, और द्वार तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन देख रेख करने में बड़ी दिक्कत होती है, कोई है ही नहीं वैसा। और ये एक ही गाय बची है। और गाइस मौसम के फुल मज़े हैं, और इस मौसम में तो आपको पता ही, क्या खाने का मन करता है, चाय मिल जाए, पकौड़ी मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए फिर तो। लेकिन कौन बनाए, बनाने वाला कोई है ही नहीं, अगर कोई हो तो बना के ला के दे दो मुझे, मैं बड़े प्यार से खा लूँगा, और साथ में बैठ के थोड़े गप्पे सप्पे हो जाएंगे। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। ये है अंश। अच्छा, और ये नाना से मंगा रहे हैं समोसा, क्योंकि पकौड़ी तो कोई बना नहीं सकता है ना। कौन समोसा मंगा रहा है? नहीं, चॉकलेट लेके घर आ रहे बस। हाँ। क्यों समोसा नहीं ला रहे हैं? पता नहीं। क्या बोले? क्यों कह दो? अच्छा तो पकौड़ी कौन बनाएगा, आप बनाओगे? मैं थोड़ी बनाऊ, मैं इसीलिए तो बोला, तुम जाके नाना से बोल दो, नाना कुछ लेते आए तीखा खाने के लिए। मैं तो बताओ क्या खाएंगे अब? समोसा तो मंगवाए नहीं नाना से, नाना कह दियो तो। मैं बोला था उनसे चॉकलेट लेके घर आ रहे हैं। अच्छा चॉकलेट, तो बारिश में कौन चॉकलेट खाता है यार? बारिश में कौन चॉकलेट खाता है? बारिश में? बारिश, हाँ, ऐसे मौसम में, देखो मौसम देखो, ऐसे मौसम में चॉकलेट कौन खाता है? इस मौसम में तीखा खाया जाता है, तीखा है ना, समोसा घाटी पकौड़ी यही सब। जूली फुल फॉर्म में एकदम एकदम नजर गड़ाए रहती है कि कौन आ रहा कौन जा रहा है ना। अंश एकदम मुस्तैद रहती है, एकदम देख रही है कोई आ जाए बस उसके चीथड़े कर दे जूली, है ना जूली? जूली मैं तारीफ कितनी अच्छे सुन रही है, है ना जूली? किसको जिलाओगे? इसको दौड़ाओगे जूली? जूली ढीठ हो गई है, ढीठ हो गई है, कैमरा देख के ढीठ हो गई, गजब बेइज्जती है। लोग आईफोन लिए हैं मामा, वो देख रहा है। हैं फोन बोल रहा है। आईफोन चाहिए जूली? चाहिए जूली आईफोन, क्या करोगे इन पैरों से? चलाएगी जूली आईफोन? चलाओगी इन पैरों से? वो हाथ है जूली। अच्छा हमको सिखा रही है जूली, ब्लॉगिंग करेगी ऐसे कैमरा ऐसे से लेके कैमरा ब्लॉगिंग करेगी। हेलो गाइस, है ना,
वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। ऐसे डेली ब्लॉग शूट करेगी जूली, इसके लिए आईफोन दिला दो तो। अरे हट जाने तो किससे कर देगी, ठीक है जूली। क्या बोला तूने? बट है जूली बहुत अच्छी है, ऐसे कैरेक्टर की नहीं है। तो भैया मौसम बहुत अच्छा था इसलिए ब्लॉग शूट कर लिए, तो ब्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। और वीडियो को देख लेना, लाइक कर देना, कमेंट शेयर सब कर देना और थोड़ा सपोर्ट कर दो। ओके बाय बाय।